हम बात करेंगे नीट धांधली की। अब इसके तार महाराष्ट्र से भी जुड़ रहे हैं। लातूर के एक टीचर की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और 3 लोगों की तलाश की जा रही है। पटना, गोधरा, नालंदा, नवादा, गया, दुमका, हजारीबाग, देवघर, रांची, लातूर। 3 हफ्ते पहले विद्यार्थियों ने नीट पेपर लीक कांड की आशंका में प्रदर्शन शुरू किया। 3 हफ्ते के अंदर देश के 4 राज्यों और 10 शहरों तक धांधलीबाजों के कई रैकेट का खुलासा हो चुका है। बिहार से 13 गिरफ्तार, गुजरात से 5 गिरफ्तार, झारखंड से 5 गिरफ्तार, महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तार। जांच की कड़ी आगे बढ़ती जा रही है। एक से एक मास्टरमाइंड सामने आते जा रहे हैं। सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है। बिहार पुलिस जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, झारखंड पुलिस जांच कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पेपर लीक का जाल अखिल भारत में फैलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार, गुजरात और झारखंड के बाद ताजा कार्रवाई महाराष्ट्र के लातूर में हुई, जहां महाराष्ट्र एटीएस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जून को महाराष्ट्र एटीएस की टीम को जानकारी मिलती है कि लातूर के जिला परिषद स्कूल के कुछ टीचर नीट परीक्षा में धांधली का रैकेट चला रहे हैं। एटीएस ने संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खां पठान नाम के 2 शिक्षकों को पूछताछ के लिए बुलाया। नीट परीक्षा में हुई धांधली के मामले में अब महाराष्ट्र एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र एटीएस को यह कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लातूर जिले के जिला परिषद स्कूल का एक टीचर और एक अन्य जिला परिषद स्कूल का हेडमास्टर, ये दोनों ही एक रैकेट चला रहे हैं, जिसके तहत नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को वो पास कराने के लिए पैसे ले रहे थे, उनके हॉल टिकट्स लेकर अन्य व्यक्तियों को भेजे जा रहे थे। वो दिल्ली के भी एक व्यक्ति के संपर्क में थे। आपको बता दें कि टीचर संजय जाधव और हेडमास्टर जलील उमर खान पठान, इन दोनों को 21 जून को पूछताछ के लिए एटीएस की टीम ने बुलाया और पूछताछ के बाद दोनों के मोबाइल खंगाले गए, मोबाइल चेक किए गए, जिसमें दोनों के ही मोबाइल में कुछ अभ्यर्थियों के, कुछ एग्जामिनर्स के एडमिट कार्ड मिले और कुछ ऐसे चैट्स मिले जिससे यह साबित हो रहा था कि वो दोनों ही इस रैकेट में शामिल थे और एक रैकेट चला रहे थे जिसके तहत वो नीट के अभ्यर्थियों को पैसे लेकर पास कराने की गारंटी दे रहे थे। जांच के दौरान इनके मोबाइल फोन की गैलरी में परीक्षार्थियों के हॉल टिकट, व्हाट्सएप चैट और पैसों के लेन देन का पता चला, जिसमें जलील पठान ने संजय जाधव को मैसेजेस भेजे थे। संजय जाधव ने हॉल टिकट की वो जानकारी इरन्ना मशना जी कोनगलवार को भेजी। इरन्ना ने वो जानकारी दिल्ली के गंगाधर नाम के 4th आरोपी को भेजी। संजय जाधव को जलील उमर खान पठान ने कुछ एडमिट कार्ड भेजे, फिर संजय जाधव ने ये एडमिट कार्ड इरन्ना कोनवलकर नाम के एक धाराशिव के आईटीआई के इंस्ट्रक्टर को ये एडमिट कार्ड भेजे हैं। इरन्ना कोनवलकर ने फिर दिल्ली के एक गंगाधर नामक व्यक्ति को ये एडमिट कार्ड आगे भेजे। पकड़े गए दोनों आरोपी मोबाइल में मौजूद इन बातचीत के ब्यौरे और पैसों के लेन देन के बारे में जांच एजेंसी को सही जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने लातूर के शिवाजी नगर थाने में पेपर लीक विरोधी नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया और जलील उमर खान पठान को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी बना दी गई है। जांच और धरपकड़ का ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी आशंका जाहिर कर रही है कि नीट पेपर लीक कांड का सूत्रधार महाराष्ट्र का भी हो सकता है। ये रैकेट लातूर से चल रहा था और इस मामले में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में लातूर में एटीएस के अधिकारियों ने मामला दर्ज किया। उसके बाद जलील उमर खान पठान को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी के जो 3 आरोपी हैं वो अब भी वांटेड हैं, उनकी तलाश चल रही है। कैमरा पर्सन स्वराज और अनिकेत जाधव के साथ दिव्येश सिंह।